वेलकम बैक। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द कोरेट्स एंड द सीटी सीवीआरटी स्कोरिंग इन केस ऑफ कोविड 19। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी सिंपल वे सो ईच एंड एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोरेट्स? कोरेट्स स्टैंड फॉर कोरोना वायरस डिजीज रेडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। इन कोरेट स्कोरिंग नंबर इज गिवन फ्रॉम 1 to 6। सो वॉट कोरेट स्कोरिंग टेल्स अस? कोरेट टेल्स अबाउट द अस दैट हाउ मच चांसेज ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन अ पर्सन हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ चेस्ट सीटी। चांसेस और सस्पिशन ऑफ कोविड 19 on basis of CT chest findings। So I'll explain this further। And what is the CT severity score? CT severity score is score tells us that how much percentage of lung involved। कोविड 19 निमोनिया। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग इज डिस्क्राइब बाय द सीटी सीवियरिटी स्कोरिंग एंड इफ अ पर्सन इज हैविंग हाउ मच परसेंट ऑफ चांसेस ऑफ हैविंग कोविड 19 इन्फेक्शन दिस विल बी टेल्स बाय कोरेट स्कोरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कोरेट स्कोरिंग। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू कोरेट स्कोरिंग आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ सीटी स्कैन विच आर टिपिकल ऑफ कोविड 19। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू सम पिक्चर्स सो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट ऑन सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दैट वॉट इज कंसोलिडेशन। This is the CT chest of the patient. On CT, this one is the right side. This one is the left side. This is the posterior part of lung. And here is the anterior part. So, consolidation is area of complete white out lung, like this one. In consolidation, the lung area is completely white. And the typical finding in consolidation is these black markings. These black markings represent air in the bronchioles. So this is known as air bronchogram sign. So in typical consolidation, area of white out white lung with air bronchogram sign will be seen. So in this CT film, the part of the lung is posterior part of the lung is involved with consolidation with air bronchogram sign. Now second film I will show you the ground glass opacity. What is ground glass opacity? In consolidation the whole area is white, but in ground glass opacity there is mixture of white and black area, like this one. You can easily appreciate this is not completely white or not completely black here also. So in bilateral lung field there is grayish area of haziness. This is known as ground glass opacity. So now you can easily differentiate between the ground glass opacity and consolidation. This one is the area of ground glass opacity. This is the area of consolidation with air bronchogram sign and this is the area of ground glass opacity. Now third picture of typical COVID-19 infection or a typical pneumonia I will show you. In this picture, this area. In this, centrally there is area of ground glass opacity. Which is surrounded by area of consolidation. So area of ground glass opacity is gray and area of consolidation is white.
सो इन एनी वायरल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया यू कैन सी दिस साइन सेंट्रली एरिया ऑफ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन. दिस इज नोन एज रिवर्स हेलो साइन. रिवर्स हेलो साइन और एटॉल साइन. एटॉल साइन दिस इज ऑल्सो टिपिकल ऑफ कोविड 19 निमोनिया. एंड फाइनली दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रेजी पेविंग पैटर्न. दिस लाइक दिस क्रेजी पेविंग. दिस पैटर्न इज ऑल्सो टिपिकल ऑफ कोविड 19 निमोनिया. इन दिस पैटर्न द इंटरलोब्यूलर थिकनिंग्स लाइक दैट लंग्स हैव मल्टीपल लोब्यूल्स इन मल्टी इन बिटवीन लाइक दिस वन. लंग हैव मल्टीपल लोब्यूल्स यू कैन अप्रिशिएट इन दिस एंड इन बिटवीन द लोब्यूल देर आर सेप्टा. दिस वन दिस रेड कलर आर सेप्टा. सो इफ देर इज थिकनिंग ऑफ दिस सेप्टा दिस विल अपियर लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ क्रेजी पेविंग. इन बिटवीन द लोब्यूल्स देर इज थिकनिंग ऑफ द सेप्टा दो सो दिस विल अपियर लाइक क्रेजी पेविंग. सो नाउ यू कैन इजिली अप्रिशिएट दिस इज द एरिया ऑफ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विच इज अ मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ब्लैक लाइक ग्रे. एरिया ऑफ कॉन्सोलिडेशन विच इज कम्प्लीटली वाइट विद एयर ब्रोंकोग्राम साइन. एंड दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्सोलिडेशन एरिया ऑफ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विच इज सराउंडेड बाई एरिया ऑफ कॉन्सोलिडेशन. दिस इज नॉन एज रिवर्स हेलो साइन और एटॉल साइन. एंड दिस इज द थिकनिंग ऑफ इंटरलोब्यूलर सेप्टा विच अपियर्स एज क्रेजी पेविंग पैटर्न. सो नाउ वी विल गो बैक टू द कोरैट स्कोरिंग. सो इन कोरैट स्कोरिंग नंबर इज गिवन फ्रॉम 1 to 6. सो इफ देर इज नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. सो इफ देर इज नंबर 1, देर इज नो चांसेज ऑफ कोविड 19 निमोनिया. नंबर 2, देर इज लो चांसेज ऑफ कोविड 19 निमोनिया. नंबर 3, देर इज इंटरमीडिएट 50% चांसेज ऑफ कोविड 19 निमोनिया. एंड फोर्थ इज सस्पिशियस ऑफ कोविड. एंड नंबर 5, टिपिकल फीचर्स ऑफ कोविड 19 निमोनिया. एंड नंबर 6 इज आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोविड 19 निमोनिया. सो इन इफ स्कोर इज गिवन 1, देर इज नो चांस बिकॉज देर इज नो फीचर्स ऑफ कोविड निमोनिया ऑन सीटी. नो फीचर देर इज नो टिपिकल फीचर ऑफ कोविड निमोनिया. इन दिस देर इज एरिया ऑफ निमोनिया बट विच इज नॉट टिपिकल ऑफ कोविड बट सजेस्टिव ऑफ सम अदर कॉजेज ऑफ निमोनिया. इन इंटरमीडिएट विच इज गिवन स्कोर 3, देर इज 50% चांसेज ऑफ कोविड निमोनिया बिकॉज देर इज सम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और सम अदर टिपिकल फीचर बट नॉट कंप्लीट टिपिकल फीचर्स इन दिस. सो देर इज 50% चांसेज ऑफ कोविड निमोनिया. लाइक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मे बी प्रेजेंट बट इट मे बी सेंट्रल बट इन टिपिकल कोविड 19 निमोनिया ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आर यूजुअली इन पेरिफेरल लोकेशन. एंड इन व्हेन स्कोर इज गिवन 4, देर इन दिस देर इज सस्पिशन ऑफ कोविड 19 बिकॉज सम ऑफ द फीचर्स सम टिपिकल फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ कोविड 19. And in score 5, most of the features of COVID-19, so this is typical of COVID-19 pneumonia. And when score is given 6, so it suggests there is RT-PCR positivity also. So if score is 1 to 2, there is almost nil chances of COVID-19 pneumonia. In score 3, there is 50% chances. And score 4 and 5, there is high chances of COVID-19 pneumonia. And if score is 6, this is already proven COVID-19 pneumonia.